ये तीन काम स्त्रियां कर लें, सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर घन से भर जाएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल है, अर्थात शिक्षा प्रद है। इस कहानी में आज हम चर्चा करेंगे कि ये तीन काम अगर स्त्रियां कर लेती हैं तो कभी भी उस घर में सास बहू में झगड़ा नहीं होगा और घर धन से भर जाएगा, अर्थात घर में धन की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो आइए मित्रों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो तीन काम कौन से हैं जो स्त्रियां यदि करती हैं तो उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, आपस में विवाद नहीं होता है और उनका घर धन धान्य से भर जाता है। ये जानने के लिए हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने और वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे इस ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो तीन काम कौन से हैं जो स्त्रियां यदि करती हैं तो उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, सास बहू में तकरार नहीं होती और घर धन से भर जाता है। आइए मित्रों, अब सीधे गौर करते हैं इस कहानी की ओर। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए चला गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल किया करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, क्या बात है, क्या परेशानी है? तब बहू ने कहा कि हे सासू मां, आज मेरा तिनपनौती अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने भोजन नहीं खाया है, परेशानी मेरे लिए कोई नहीं है। दोस्तों, तब सासू ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है, इस व्रत का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये व्रत क्यों रहते हैं लोग और आप ये व्रत क्यों रहती हैं और ये व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाने की कृपा करें। तब बहू ने कहा कि हे सासू मां, तिनपनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, घर में अन्न धन बना रहता है, धन धान्य की कोई समस्या नहीं रहती, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग भी मिलता है और पुत्र प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। सासू मां, इस व्रत में पहले साल शक्कर घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। माँ जी, तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 0.5 किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही तिनपनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। दोस्तों, फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है, अगर पूरा नहीं कर सकते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति पैदा होने लगती है, जिससे अनेक तरह की समस्याएं, दुख, मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। मित्रों, तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम ये व्रत कर लो बहू। तब वह बहू व्रत का आरंभ करती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता जो थी इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि आज से पहले ये सास बहू बहुत ही प्रेम से रहती थी, लेकिन अब इनमें झगड़ा क्यों शुरू हो गया है, ये हो क्या रहा है? सास अपनी बहू को कहने लगी कि तू जब से हमारे घर में बहू बनकर के आई है तब से हमारी घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो, अशुभ बन गई हो। मित्रों, सास की बात को सुनकर के तब बहू ने कहा
ठीक है, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहां मिलेगी मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर के आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगे। तब वह बहू यह कहकर के वहां से चली जाती है और कह जाती है कि हे सासू माँ, जब तक मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। दोस्तों इतना कहकर के वह बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि आप कहां जा रही हैं। तब बहू ने कहा कि हे गाय माता, मेरी सास मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को लेने के लिए जा रही हूं। दोस्तों तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तब वह बहू बोलती है ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछ लूं। तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता, तो भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों तब बहू बोली गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर के बहू आगे के लिए बढ़ जाती है। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है और पत्थर के पाट बने होते हैं। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना और उनसे पूछना कि मेरे जीवन में ऐसा दुख क्यों है जो मेरे गले में घंटी बंधी हुई है, जो पाट बंधे हुए हैं। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूंगी। ये कहकर के बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे जीवन में अंधा और बहरा ही बनना क्यों लिखा था, ऐसा दुख क्यों लिखा है, इस बारे में जरूर पूछ लेना। दोस्तों तब वह उसकी समस्या भी भगवान से पूछने के लिए ये कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है और कहती है कि हे बहू, हमारे जीवन में अपाहिज बनना क्यों लिखा है, इतनी मुसीबत क्यों है, ये जाकर के भगवान से मेरे बारे में अवश्य पूछ लेना। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आगे के लिए चल देती है। मित्रों आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो। तो वह बहू बताती है कि लक्ष्मी को लेने के लिए जा रही हूं। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या को लेकर के आगे बढ़ जाती है। मित्रों आगे जाते ही बहू को एक तलैया मिलती है जिसे हम तालाब कहते हैं। वह भी बहू को बताती है कि तू भगवान से पूछना कि मेरे तलैया का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूंगी और कहकर के आगे बढ़ जाती है। मित्रों बहुत जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख भी लगी होती है लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण जरूर करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती करते हुए कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे यहां अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेगा। माता लक्ष्मी की बात को सुनकर के भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। मित्रों बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि तुम कहां से आई हो, कहां जा रही हो। तब वह बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात को सुनकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती हैं। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू से कहती हैं कि हे बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसकी सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। मित्रों ये सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं
कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इस वजह से उसके बछड़ा जिंदा नहीं रहते हैं, तो उसका दूध पी लेना जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। उसके बाद में घोड़ी के बारे में पूछती है, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पार्ट बंधे हुए हैं, तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद में वे बहू उस बुजुर्ग के बारे में पूछती है जो अंधा था और बहरा भी था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे बेटी, बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसको मंदिर में ले जाना और दर्शन करवा देना, वे ठीक हो जाएगा। मित्रों फिर वह बहू बुजुर्ग महिला के बारे में पूछती है जो अपाहिज थी, विकलांग थी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे बेटी, बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे ये सजा मिली है, तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी, उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मित्रों उसके बाद में उस बहू ने भगवान विष्णु से उस आम के पेड़ के बारे में पूछा और पूछा कि आम के पेड़ के जो फल है वो खट्टे क्यों हैं। तब भगवान विष्णु ने बताया कि उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम नहीं खाने दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं, तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आ जाएंगे। उसके बाद में तलैया यानी तालाब के पानी के बारे में पूछती है कि उस तलैया का पानी गंदा क्यों है। दोस्तों तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे बेटी, उस तलैया का पानी पिछले जन्म में देवरानी जिठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, इसलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना, वह तलैया शुद्ध हो जाएगी, उसका जल बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। मित्रों बहू ने भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करने के बाद फिर वह घर जाने के लिए चल देती है और रास्ते में उसे जो जो भी मिला था उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करती है, सभी उसे आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा घर में अन्न धन भरा मिलता है। अब बहू सास से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं अशुभ ही थी, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रहें, मैं मरने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों तब सासू ने कहा कि हे बेटी, ये सब तुम्हारी पनौती अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है, तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सासू बहु खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में ये सब देखा, तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह वह बहुत ही अपनी धर्म पत्नी पर प्रसन्न होता है, उसके शुभ कर्मों को देख करके बहुत ही खुश होता है और फिर अपनी माता और बहू के साथ यानी पत्नी के साथ खुशी खुशी वे लोग रहने लगते हैं और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने लगती हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमारे लिए सीख देती है कि अगर ये तीन पनौती का व्रत आपने कर लिया, तीन पनौती अमावस्या का व्रत सही तरीका से समझ लिया और जीवन में कर लिया, 3 वर्ष तक इस व्रत को धारण किया, तो हमें उम्मीद है कि आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। आप क्षमा चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।